जब जब मैंने सोचा तुमने मेरा समझा हुआ गलत साबित किया। बस कर दो यार, अब तो मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है कि पता नहीं मैं कैसा इंसान हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है पहले मुझे लगता था कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, लेकिन तुमने फिर वो भी गलत साबित कर दिया। तो फिर जब तुम्हें ये लगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं तो फिर क्या हुआ? तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन तुम्हारे एक्सीडेंट का सुन के मैं वाकई बहुत डर गई थी सलमान, मुझे खौफ आ रहा था कि छो ना जाए तुम्हें। नसीमा जी पानी पी लीजिए, पी लीजिए, अल्लाह साईं सब खैर करेगा। साई, उरूज ने हमेशा तुम्हारी तारीफ की है। उसके मुश्किल तरीन दिनों में तुम उसके हमदर्द रही हो। छोटी बीबी साहिबा खुद बहुत अच्छी हैं जी। इस सेहत के साथ उरूज सीढ़ियों से नीचे क्यों आई, उतरी ही क्यों? क्या तुम उस वक्त मौजूद नहीं थी वहां पे? अब आपको क्या बताऊं जी, सलमान बेटा डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने उम्मीद तो दिलाई है। इंशाल्लाह उरूज को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करे। बेटा मेरी उरूज मेरी जिंदगी है। उरूज जिंदगी तो है सबकी, फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह Thank you.
बस आई। तुम क्या कह रही थी? कुछ नहीं जी। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला है उरूज से सलमान की जान छुड़ाने का और तुमने उरूज के हक में फैसला दे दिया। मैंने उरूज के हक में नहीं, सलमान के हक में फैसला दिया है शहजादा बाबू। उरूज से तो मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है सिवाय इसके कि सलमान सच में उससे बहुत मोहब्बत करता है और सलमान के लिए जो अहम है मेरे लिए भी बहुत अहम है। ये ख्याल तुम्हें कुछ ज्यादा देर से नहीं आया? कल तक तो तुम्हें उरूज बिल्कुल पसंद नहीं थी और आज सलमान की पसंद पसंद आ गई है। अब तक तो आप भी उसकी बहुत तरफदारी करती थी शायस्ता भाभी, अब ऐसी कौन सी नई खामी आपके सामने आ गई है जो आप जानती हैं और मुझसे छुपा रही हैं? नहीं नहीं मैरी, मैं तो तुम्हारी वजह से ये नहीं। शायस्ता भाभी, मेरी वजह से नहीं, बात तो कुछ और। खैर आप मुझे ना बताएं, पता तो मुझे चल ही जाएगा। क्या पूरी रात तुमने नाचते रहना है? वो जी, आज इतनी बड़ी खुशी की रात है तो मैं अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकती। काबू में रखो अपने जज्बातों को। शाइस्ता क्या हो गया? नहीं, उसको खुशियाँ मनाने दो, जानती तो हो तुम वकार और मेहरीन के यहाँ 6 साल के बाद खुशी आई है। अम्मा जान, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि इतना टाइम हो गया है ना, रस्म शुरू करते हैं। हाँ ये भी ठीक कह रही हो तुम। बस आई, चलो सारा सामान लेकर आओ रस्म करने के लिए। अम्मा जी, सामान तो मैंने पहले ही सारा मेज पे रख दिया है। अच्छा चलो बच्चियों आओ रस्म करते हैं, आ जाओ।